देखिए गाइस, ये हम निकल गए थे संडे के दिन और यहाँ बारिश भी यहीं से बहुत अच्छा मौसम हो गया था और मौसम को देख के ही मूड बहुत अच्छा हो गया था। और ये होता ही है, सभी के साथ है, मौसम अच्छा हो तो मूड अपने आप ही अच्छा हो जाता है। और प्लानिंग तो थी कि जाना है, दो दिन पहले ही हमें पता लगा कि हम जाएंगे। तो ये हम हरिद्वार, रुड़की हरिद्वार होते हुए, और रुकना तो सिर्फ ऋषिकेश ही था, लेकिन वाया गए तो बहुत ही अच्छा मौसम रहा। और ये था हमारा रास्ता यहाँ का NCR, मतलब कि मेरठ हरी रोड शुरू हो गई थी। और ये साथ के साथ थे जो सीधी सीधी रोड हम मतलब रुड़की को टच करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत ही वाकई देखिए, पूरे बादल भरे हुए थे, मज़ा आ गया देख के। और बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम था, आसपास की हरियाली ने तो दिल खुश कर दिया। ये हरा सब कुछ देखने कहाँ मिलता है हमें ना, दिल्ली NCR के लोगों को तो स्पेशली गांव जाना पड़ता है। देखिए मैं कितनी खुश हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हरियाली देख के सच में बहुत अच्छा रहता है, ठंडक मिलती है आँखों को, मौसम अच्छा रहता है। तो बस आगे बढ़ते ही जा रहे हैं हम लोग। और ट्रैफिक भी हमें नॉर्मली मिला, मतलब ऐसे ट्रैफिक कहीं भी हर्डल्स नहीं मिले हमें, बहुत इजीली हम पहुंच गए। नहीं तो वैसे वीक डेज में या वैसे कभी एक आध बार ही गई थी, तो रुड़की से हमें हरिद्वार तक तो बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हमें जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, बहुत ही बढ़िया रहा हमारा तो। तो ये देखिए हम हरिद्वार भी पहुँच गए, और काफ़ी बहाव था पानी का ऊपर से, क्योंकि इस बारी बारिश काफ़ी हुई थी, बट उतनी ज़्यादा सिचुएशन वर्स नहीं है अभी, तो काफ़ी हद तक संभली हुई है। ये देखिए पानी का बहाव, मैं सारा कैप्चर करके लेके आई, मैंने कहा सबको दिखाऊंगी। तो ये हरिद्वार है, ये घाट है, वो हैरान होते हैं। और घाट के साथ साथ हमने कहा शिव जी की मूर्ति कितनी प्यारी लग रही है, ये तो डूब गई थी यहाँ तक, ये पानी आया था ना बहुत तेज बीच में लास्ट मंथ में, तो अब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ है। और ये सामने हमें एक तरफ देहरादून और एक तरफ ऋषिकेश का रास्ता, हम आगे देहरादून को आगे आगे क्रॉस कर रहे हैं। वो बीच में एक वो भी पड़ेगा अभी, क्या कहते हैं, रेलवे ट्रैक, बस उसके पास ही पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए हमें दिखना शुरू हो गए हैं माउंटेन्स, ये देखिए पूरे बादल भरा हुआ है। ये पहुँच ही गए हम ऑलमोस्ट ऋषिकेश में, और ये देखिए वहाँ का नज़ारा। लेकिन बारिश नहीं थी, और मैंने सोचा होगी बारिश ना, मगर नेक्स्ट दोनों दिन बहुत ज़्यादा सूरज अपनी पूरी उस लेके चमक रहा था। और ये होटल का नज़ारा, हमने चेक इन कर लिया था, इसका नाम भी पीपल ट्री था होटल का नाम। और ये मैं अंदर का दिखा रही हूँ, हम लोग अभी जस्ट एंटर किए, ये पानी पी रहे हैं। मैंने कहा चलो लगे आते हैं, जब तक नहीं तो फिर थोड़ा रेस्ट करने बैठ जाओ तो फिर आलस आ जाता है। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा एक रूम का थोड़ा सा शूट कर लेती कि कहाँ पे हम रुके थे। तो बहुत अच्छी जगह थी, और ये बालकनी थी हमारी, बालकनी से नीचे सामने माउंटेन और जिसको कहते हैं ना नदी बह रही थी पानी का, जो ऊपर पहाड़ से पानी बहता है, तो हमारे इधर ना होटल के रूम के इधर से दिख रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा बाई चांस हमें जल्दी जल्दी वो देखे, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा पानी। तो ये रहा हमारा पीपल का ट्री, जिसका नाम ही हो होटल का नाम ही है पीपल ट्री। तो अच्छा रहा हमको, बहुत बढ़िया रहा। तो ये था हमारा अंदर का रूम, और ये बाहर का नज़ारा यहाँ से। तो गाइस ये था हमारा ऋषिकेश वाला रूम। और इसके बाद हम मैं ये देखो पूरे रूम को मायना कर रही हूँ, कैसे कैसे लेट के देख रही हूँ कितने मज़ेदार हैं। हस्बैंड भी बस चेंज करेंगे, और मैं ये दिखा रही थी आपको रूम का ना।
मैंने कहा इससे पहले कि मुझे आलस आए मैं आपको दिखा देती हूँ रूम का। ये ऊपर का जहाँ पे हमारा डाइनिंग हॉल था ना ये वहाँ का है। तो देखिए ये हम ऑर्डर दे रहे हैं लंच के लिए, काफ़ी देर हो चुकी थी पहुँचते पहुँचते, ढाई तीन तीन ही बज चुके थे। और काफ़ी अच्छा था ऊपर, उन्होंने बड़ा अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट बहुत बढ़िया, जैसे बैंकॉक में था ना पूरी आलती पालती मार के बैठो इस तरह के हैं सोफे लगे हुए साइड में, मर्जी है किसी में भी बैठो आप। तो हमने बस सिंपल सा लंच ऑर्डर किया, दाल थी, एक सब्जी थी, चपाती थी, नान था, एक एक सैलड था। तो रास्ते भर में भी हम पराठे वराठे खा के आए थे। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पहुँचे और मैं भी खुद भी कर रही हूँ लंच इन लोगों का, इनको पिक्चर्स वगैरह इनकी शूट करके। तो ये मैंने आपको ऋषिकेश पहुंचकर जो फर्स्ट डे का तो आपको मैंने दिखा दिया इस वाले व्लॉग में, तो ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट दिखाऊंगी और थोड़ा सा आप अंदाजा लगाएंगे। और मैं आपको आगे, आप मेरे व्लॉग्स देखते रहेंगे तो यू विल कम टू नो कि हम क्यों गए थे। कुछ काम था बहुत ज़रूरी तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया था ऋषिकेश का। तो आई होप को आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ा सा मैंने हरिद्वार और ऋषिकेश घुमा दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।